नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटौरिया। पीसीसी चीफ रहते भूपेश बघेल ने रमन सरकार के हस्तेव परसा के से कोल ब्लॉक को दी गई मंजूरी का विरोध किया था, लेकिन अब सत्ता संभालने के बाद उनके ही नेतृत्व में परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। तमाम संगठन सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कौन से हालात थे जो इस परियोजना को आसानी से पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। अब इस फैसले के खिलाफ सघन अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए मुहिम चलाने वाले संगठन में से एक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इस संगठन का तर्क है कि मई जून में केंद्रीय वन पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन समिति की बैठक में राज्य सरकार ने किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं की, जो चिंताजनक बात है। वहीं सरकार इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से बच रही। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश परियोजना पर पंगा में। वह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का कहना है कि पिछली सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को तमाम झूठी जानकारियां दी गई, जिस पर सीबीए ने तमाम दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने ग्रामीणों के कलेक्टरों से फर्जी ग्राम सभाओं की शिकायतों के दस्तावेज सौंपे हैं, जिसमें बताया गया था कि खदान को मंजूरी देने के लिए कभी कोई भी ग्राम सभा नहीं हुई थी। साथ ही कहा गया था कि उत्खनन परियोजना की वजह से हस्तेव नदी का जलागम क्षेत्र खत्म होने से बांगो डैम नहीं भरेगा, जिससे गंभीर जल संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी तमाम आपत्तियों के बाद ईएसी ने सरकार से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में तत्कालीन सरकार ने उत्खनन परियोजना से हसदेव कैचमेंट एरिया में कोई असर नहीं पड़ेगा कहा। वहीं वन्य जीवों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी तत्कालीन पीसीसीएफ की फर्जी रिपोर्ट सरकार ने दी। सरकार के इन जवाबों को लेकर उन्होंने वर्तमान सरकार को भी दस्तावेज के साथ ज्ञापन सौंपे और ईएसी में आपत्ति दर्ज कराने की मांग की थी। फिलहाल इस मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने हमारे रिपोर्टर के सवाल को सुना, लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस मामले में जानकारी होने से ही मना कर दिया। हसदेव बांगो का कैचमेंट एरिया के ऊपर अभी फिलहाल कोई भी खदान नहीं है, और जो बात आप कर रहे हैं वो मैं एक बार दिखवा लूं, फिर इसके बारे में कुछ बोल पाना ठीक है। और आपको बता दें कि अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। हसदेव परसा केतेकोल ब्लॉक का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने, अभी देखा आपने कि किस तरह से रिपोर्टर के सवाल को उन्होंने टाल दिया और अनसुना कर दिया। वही वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी इस मामले में कुछ भी जानकारी होने से ही मना कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी, यानी कि मंत्री हो और यहां तक के सीएम भी, इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का कहना है कि पिछली सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को तमाम झूठी जानकारियां दी थी, जिस पर सीबीए ने तमाम दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने ग्रामीणों से कलेक्टरों से फर्जी ग्राम सभाओं की शिकायतों के दस्तावेज सौंपे हैं, जिसमें बताया गया था कि खदान को मंजूरी देने के लिए कभी कोई भी ग्राम सभा नहीं हुई थी। साथ ही कहा गया था कि उत्खनन परियोजना की वजह से हसदेव नदी का जलागम क्षेत्र खत्म होने से जो बांघो डैम नहीं भरेगा और जिससे जो जल संकट है उसकी गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। ऐसी तमाम आपत्तियों के बाद ईएसी ने सरकार से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में तत्कालीन सरकार ने उत्खनन परियोजना से हसदेव कैचमेंट एरिया में कोई असर नहीं पड़ेगा कहा था। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आलोक शुक्ला जी, जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही में स्वराज संवाददाता वैभव शिव पांडे हैं। वैभव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा।
जिस तरीके से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पहले जो लोग विरोध कर रहे थे आज चुप्पी साधे हुए हैं, और जो ग्राम सभाओं का जिक्र किया जा रहा है कि ग्राम सभाएं की गई थी, वो फर्जी रिपोर्टें सामने आ रही कि फर्जी ग्राम सभाएं थी, क्या पूरा मामला था और आखिर इस मामले को अब तूल पकड़ता जा रहा है, तो क्या जो वर्तमान सरकार है इस पर कोई कदम उठाएगी भी या नहीं? फिलहाल अभी ये कह पाना जो है मुश्किल है कि वर्तमान सरकार का स्टैंड इस पर क्या रहने वाला है, क्योंकि किसी के तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है इस पूरे मसले पे। चूंकि जो परसा कोल ब्लॉक का मामला था, वहां पे जो आवंटन की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो तत्कालीन रमन सरकार के समय की थी, और विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल ने जमकर इसका विरोध किया था। इसलिए सवाल यही उठ रहा है कि अब जब सत्ता में है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उसे केंद्र सरकार की तरफ से, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसी का जवाब जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है। मीडिया के तमाम लोग जो है सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वन मंत्री का कहना है कि उन्हें इस पूरे मसले के बारे में जानकारी नहीं, वो जानकारी लेने के बाद इस पर स्पष्ट राय दे पाएंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी किसी तरह का कोई जवाब इस पर नहीं दिया है। तो फिलहाल इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये अपने अपने तरीके से जो है इस पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि इस परिस्थितियां और इन स्थितियों के बीच की वजह क्या है। लेकिन मूल बात यह है कि इससे जो वहां के आदिवासी प्रभावित होंगे, वन्य जीव जो प्रभावित होंगे, और जो हसदेव नदी का जो पूरा कैचमेंट एरिया है जो पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है, उस पर क्या रुख सरकार का रहने वाला है? क्या इसे बचाने की दिशा में कोई ठोस कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है या नहीं? दूसरी बात यह भी है कि चूंकि जब चुनाव का वक्त था तब इस पर जोर शोर से इस मुद्दे को जो है उठाया गया, और न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इस पर जो है जमकर विरोध किया गया था, बल्कि अभी जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, उन्होंने तो बकायदा पदयात्रा भी की थी। तो सवाल यही उठ रहा है कि जब तमाम विरोध आपने विपक्ष में रहते हुए किया था, तो सत्ता पक्ष में आने के बाद क्या वो विरोध अब कम हो गया है, या उस विरोध को आपने खत्म कर दिया है जिसके चलते ये परिस्थितियां बनी कि जब कमेटी की बैठक होती है जिसमें कि राज्य सरकार के लोग भी मौजूद रहते हैं, वो अधिकारी मौजूद रहते हैं जिनकी मौजूदगी में सारा कुछ जो है निर्णय होता है, वहां पे क्या आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर अपने जो जवाब है वो स्पष्ट करना चाहिए कि आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई या नहीं, और आपने अगर आपत्तियां दर्ज नहीं कराई तो फिर जो सवाल शिकायतकर्ताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि भाई इसमें हो सकता है कि राज्य सरकार ने जो चुप्पी साधी उसकी वजह से ये मंजूरी मिली और अडानी जो है वहां पे अब खनन की शुरुआत कर सकते हैं, तो अब इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी है अब विपक्ष में है, और जो 2018 के समय जिस समय ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय सत्ता पक्ष में थी, उन्होंने भी एक तरीके से चुप्पी साध ली। आज हमने बीजेपी के लोगों को यहाँ पे बुलाया था, कांग्रेस तो पहले से डिबेट से जो है नदारद है, लेकिन बीजेपी के लोगों जो से हमने बातचीत की उन्होंने साफ कह दिया कि अडानी के मसले पर कुछ नहीं कहेंगे। अडानी है कौन, और क्या वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि उनके सामने, उनके मसलों के मामले में सरकारें हो या विपक्षी लोग हो या फिर ज्यादा जो है राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली लोग हो, वो भी चुप्पी साध लेते, वो भी कुछ नहीं? बिल्कुल, जिस तरीके से वैभव देखा जाए कि अडानी की वजह से ना सत्ता पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसका कारण है। क्योंकि अभी हाल ही में अगर देखा जाए कि नजदीकियां भी काफी बढ़ी थी सीएम भूपेश बघेल की, एक दो इवेंट में उनकी मुलाकात हुई थी, हालांकि उन्होंने इसे औपचारिक मुलाकात ही कही थी, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ समीकरण यहाँ पर बैठने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए कि जो विपक्ष में चुपचाप बैठे थे, जो शोर मचा रहे थे, अब वो सत्ता पक्ष में आके चुपचाप बैठ गए, इसका क्या कारण है, क्या मतलब निकाला जाए, और क्या जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं कोई बोलने को तैयार नहीं है, वही मंत्री हैं जो वन मंत्री हैं वो कुछ कहने से उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं है, कमाल की बात है। देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ राजनीति इसी को कहते हैं कि जहां विरोध करने लायक माहौल है वहां विरोध किया जाए, और जहां माहौल दूसरा हो जाता है तो शांत बैठा जाए।
जो मुझे समझ में आ रहा वही आ रहा है, वास्तविकता इसमें ये है कि इस खदान को मंजूरी जो दी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो दिया है, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया। बिल्कुल। इस सरकार के आने के बाद, चूंकि इस सरकार के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल और अन्य लोग जो है, वो सारे लोग जो है पिछली विधानसभा तक लगातार हर सत्र में जो है इस बात का विरोध करते आए हैं, इसके अड़ानी की खिलाफत करते आए हैं, लेकिन जो स्थितियां बनी उसमें उन्होंने जो अनुमति दी उसका भी विरोध उन्होंने किया। तो होना यह चाहिए था कि ये सरकार जब आई है तो अपने उस मुद्दे को पकाने के लिए कम से कम उस बात को, उस अनापत्ति प्रमाण पत्र को ये विड्रा कर देते, लेकिन वो विड्रा नहीं किया। कारण क्या है ये तो अंदर घुसना पड़ेगा कि कारण कहीं ये तो नहीं है कि कोई ऐसी ऐसे एग्रीमेंट में कोई क्लॉज तो नहीं है, या कारण कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसमें कुछ राजनीतिक मजबूरियां बन रही हैं, या कारण कुछ ऐसा तो नहीं है कि अडानी की ताकत बहुत ज्यादा है, सरकारें बहुत छोटी नजर आती है। कोई तो कारण है जिस कारण की वजह से जो है मौन साधा जा रहा है। और देखने वाली बात यह है, जिस सरकार को सारी बातें सारी जानकारियां मिलती हैं, उनके वन मंत्री को ये जानकारी नहीं है कि ये मामला है क्या, ये बड़ी बात है। वो एक बड़ी बात है। दूसरा, मुख्यमंत्री इस बारे में मौन हो गए, उनको प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया, ये बड़ी बात है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि कोई जो मामला आज पब्लिक डोमेन में चल रहा है, चर्चा में है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को ना दी गई हो, या मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी ना हो दी गई, तो ऐसा मुद्दा बन गया हो जिसमें जवाब देते न बने। ये स्थितियां जो बनी है ये इनके लिए राजनीतिक रूप से जो नुकसानदायक साबित होगी, और इसका प्रभाव जो है इनके इमेज पर पड़ेगा, खास करके भूपेश बघेल जी के खुद की व्यक्तिगत इमेज जो है वो अडानी के खिलाफ उन्होंने खूब बोला, मुखर होकर बोला, अब मौन हो जाना जो है उनके इमेज पर भी प्रभाव पड़ेगा, सरकार की इमेज पर भी प्रभाव पड़ेगा कि जो सरकार आज चर्चा में है कृषि क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा में है कि अच्छा काम कर रही है, उसका एक निगेटिव पक्ष जो है वो सामने आ रहा है, ये जो है महत्वपूर्ण है और राजनीतिक रूप से जो है नुकसानदायक है। बिल्कुल, जाहिर है के लिए जाहिर है, क्योंकि कांग्रेस जो वादे करके आई थी और जो वचन पत्र में जिक्र था, जो प्रोटेस्ट जब विपक्ष में थी जो कर रही थी, अब वही उसी विपरीत अगर चल रही तो जाहिर है कि आने वाले समय में ये जरूर नुकसानदायक कांग्रेस के लिए हो सकता है। आलोक शुक्ला जी, जिस तरीके से अगर यहाँ पर मंजूरी तो मिल चुकी है और काम अगर शुरू हो जाता है तो जाहिर है कि वहां के जीव जंतु और वहां के पर्यावरण, वहां पर और जो भी जीव जंतु और जो भी उससे रिलेटेड जो भी जीव जंतु के अलावा रहवासी हैं या जिन्हें भी उस जंगल से बेनिफिट है या फिर जो वहां पर जो नदी बहती है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव कितना भयावह होगा। देखिए, ये जो कोल ब्लॉक है ये हसदेवरन के जंगल में स्थित है और ये हसदेवरन का वो जंगल है जिसे 2009 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में जयराम रमेश उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने नोगो इलाका यहाँ पे खनन की अनुमति नहीं देंगे। चार उसके पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला ये कि यहाँ पे जंगल काफी घना है। दूसरा, यहाँ की जो हाइड्रोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बांगो का कैचमेंट है, जो विविधता बहुत ही समृद्ध है और आदिवासियों की आजीविका जुड़ी हुई है। तो इन समग्र बिंदुओं को देखते हुए 2009 में इस पूरे क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में 2011 में दो कोल ब्लॉक को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई, लेकिन उस समय भी ये कहा गया कि अब हसदेव में नए किसी कोल ब्लॉक को अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो कोल ब्लॉक है ये उसके बाद प्रक्रिया में आया। अब 1252 हेक्टेयर का ये कोल ब्लॉक है जिसमें दो गांव पूर्ण रूप से विस्थापित होने वाले हैं, और ये जो 1252 हेक्टेयर इसमें लगभग 750 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल है जिसमें 70% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल है और ये पूरे जो इलाका है ये बांगो बांध का कैचमेंट है जिस बांगो बैला से 400,000 हेक्टेयर जमीन जो है जांजगीर जिले की सिंचित होती है। जब ये मामला ईएसी कमेटी में आया 2018 में, तब हमने ईएसी कमेटी के समक्ष इन तमाम बिंदुओं को उठाया था और इसके पहले भी लगातार हम विरोध करते रहे जनसुनवाइयों में, लेकिन उन तथ्यों को ध्यान नहीं दिया गया। ईएसी कमेटी में हमने ये मुद्दों को उठाया कि यदि यहाँ खनन होता है तो बांगो बांध पे इम्पैक्ट होगा, चूंकि ये इलाका हाथी का माइग्रेटरी कॉरिडोर है और छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, और यदि यहाँ पे और खनन होगा तो हाथी की समस्या बढ़ेगी। निश्चित तौर पे लोग विस्थापित होंगे, दो गांव के विस्थापन का मामला था। तो जब फरवरी में जब ये मीटिंग हुई थी 2018 में, तो हमारी आपत्तियों को संज्ञान में लिया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन समिति ईएसी ने, और उन्होंने उस समय इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी
बल्कि राज्य सरकारों से तीन विषय पे स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण क्या मांगा? एनओसी मांगा। उन्होंने ये कहा कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ये बताए कि इस खनन परियोजना से हाथियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो जल संसाधन विभाग है वो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट करे, जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कैचमेंट में करीब 30 कोल ब्लॉक प्रपोज्ड हैं। आप अलग अलग कोल ब्लॉक के इंपैक्ट को देख रहे हैं, लेकिन ये सारे कोल ब्लॉक ओपन हो जाएंगे तो क्या कैचमेंट बचेगा। तो इसीलिए ये सी ने कहा कि जल संसाधन विभाग समग्र अध्ययन करके ये बताए कि कैचमेंट पे क्या इंपैक्ट, और जो ग्राम सभाएं हैं उनकी सहमति है कि नहीं। तो इन तीनों मामलों को लेकर जो राजस्थान सरकार और अडानी कंपनी, इन दोनों के द्वारा किस तरीके से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई 2018 में, और तत्कालीन जो पीसीसीएफ थे वन विभाग के, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख दिया कि यहाँ हाथियों पे कोई प्रभाव नहीं होगा, जो कि झूठी रिपोर्ट थी। जल संसाधन विभाग को जो एक समग्र अध्ययन करना था, उन्होंने समग्र अध्ययन किए बिना लिख दिया डायवर्जन होने से कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि गलत रिपोर्ट थी। जो ग्राम सभाएं फर्जी ग्राम सभाएं अडानी कंपनी के द्वारा करवाई और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जबकि जिस तारीख में वो ग्राम सभाओं को दिखाया गया है उस तारीख में कोई ग्राम सभाएं उस गांव में हुई नहीं। इन सारे मामलों को हम पुनः संज्ञान में लेके आए ईएसी कमेटी के पास। मुख्यमंत्री तत्कालीन रमन सिंह को भी हमने पत्र लिखा कि इसको आप जो है रोकिए। सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद जब 2019 में भूपेश जी की 18 में सरकार आई, उस समय हमने जो नए जल संसाधन मंत्री थे उनसे मिला कि रमन सिंह के द्वारा गलत एनओसी दी गई है, इसको विड्रो किया जाए और एक अध्ययन किया जाए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड चूंकि मीटिंग ही नहीं हुई है और लेटर पैड पे लिख दिया गया पीसीसीएफ ने, इसकी जांच की जाए और राज्य सरकार जो है इस मामले पे संज्ञान ले, क्योंकि हसदेव का बहुत महत्वपूर्ण जंगल है और यदि अब यहाँ पे माइनिंग होती तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण के लिए गंभीर मसला होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं, और चूंकि कांग्रेस हसदेव को बचाने को लेकर लगातार बात करती रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उस इलाके में आके, मदनपुर में आके, राहुल गांधी जी ने ग्रामीणों को कहा था कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं और हसदेव इलाका बचना चाहिए, तो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा था। तो हमें अपेक्षा थी कि चूंकि अब कांग्रेस की सरकार है और रमन सरकार ने अडानी कंपनी के दबाव में जो फर्जी दस्तावेज दिए हैं, गलत एनओसी दी है, इनको भूपेश जी की सरकार वापस लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस मामले पर भी इस सरकार ने चुप्पी साध के रखी और उन्हीं जो फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव था, जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की गलत एनओसी थी, वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो गलत कागज था, इन तीनों को आधार मानते ही अंततः मोदी सरकार के दबाव में ईएसी कमेटी ने इस पे पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी, जो अपने आप में काफी गंभीर संकट है। राज्य सरकार के पास पहले भी विकल्प थे इस इलाके को बचाने के लिए, अभी भी राज्य सरकार आज भी ये कह सकती है कि यदि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई है तो हम इस पे आपत्ति करते हैं कि ईसी को रोका जाए, लेकिन इस दिशा में चुप्पी साध लेना कहीं ना कहीं अपने आप में ये स्पष्ट है कि आप हसदेव के इलाके को नहीं बचाना चाहते। वो लोग जो कह रहे हैं कि ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव हुआ है, यहाँ तक कि पिछले 8 महीने से लोगों ने कलेक्टर्स को आवेदन दिया है, स्वयं मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा है, आज तक उसके जांच की घोषणा भी ये सरकार नहीं कर पाई है। वैभव, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस यानी के खुद सीएम भूपेश बघेल जंगल जमीन की बात करते थे और अब वो जल जंगल जमीन कहां गया, जहां तीज त्योहार और संस्कृति को छत्तीसगढ़ के बचाने की बात की जाती है, अब वहीं के जो जंगल और जमीन और जल अब तीनों पर संकट आ गया है, तो अब भूपेश सरकार चुप बैठी है क्योंकि ऊपर अडानी बैठा है। खनन की शुरुआत होती है निश्चित तौर पर सीधे तौर पर निशाने पे आ जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि उनके एजेंडे में है कि आदिवासियों के लिए काम करना है, आदिवासियों को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है। अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और वहाँ पे एक बार फिर से संकल्प लिया गया कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासियों का गढ़ है, मूल निवासियों का गढ़ है, यहाँ पे सारी चीजों पे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सब पर उनका हक है और उन्हें नुकसान पहुंचा करके हम किसी भी तरीके से विकास नहीं करना चाहते। तो ऐसे में अब सरकार की सबसे पहली और जो है जरूरत कहिए या भूमिका कहिए वो यही बन रही है कि वो इस कोल ब्लॉक के खनन जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है उस पर वो जो है कड़े से कड़े आपत्ति जाहिर करे और वहां पे खनन की अनुमति वहां पे ना मिले, खनन की शुरुआत ना हो पाए, ये प्रयास सरकार को अब करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूंकि वो गाँव से आते हैं, जंगल जमीन पे उनका अपना खुद का काम है और इस वक्त तो उनका सबसे बड़ा योजना जो है
वो चल रहा है नरवा गरवा घुरवा बारी, तो ऐसे में जब जमीनी स्तर पर धरातल पर जाकर वो चीजों को देख रहे हैं काम कर रहे हैं, तो अब उनकी ये जिम्मेदारी ज्यादा बन जा रही है कि सरगुजा के भीतर में अगर इस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही है जिसमें की जाएगी, तो इससे जो नुकसान होगा उसका भरपाई किस रूप में होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, लगातार यहाँ पे जंगल को नुकसान हुआ है, यहाँ पे खदानों की शुरुआत हुई है और जम के जो है खनन हो रहा है, इससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई साल दो साल तीन साल या पांच साल दस साल में नहीं की जा सकती, इसके लिए लंबा वक्त चाहिए। ऐसे में जरूरी यही है कि जो कुछ भी अपने पास जो साधन बचे हुए उससे बचाया जा सके। और वैसे भी जिस इलाके में ये खनन प्रस्तावित है वो पूरी तरह से हाथी कॉरिडोर का इलाका है जहाँ पे लेमरू प्रोजेक्ट भी आना है, लेकिन वहाँ पे अब रेलवे की पटरियां बिछ गई है, वो जाहिर तौर पे उद्योगपतियों के लिए है कि वो उनके जो है कोल जो है के रास्ते पे कोई रुकावट ना आए, वो आसानी से कोल का परिवहन कर सके। तो ये जो चीजें हो रही है जो कि विपक्ष में रहते हुए वर्तमान सरकार को गलत नजर आती थी, अब उसे ठीक करने दुरुस्त करने की जरूरत है। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और पूरे विस्तार से जानकारी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला जी ने दिया है और वो इस मामले को लेकर के अब एनजीटी में जाने वाले हैं। बिल्कुल, तो समझने की जरूरत है और सरकार शायद इस चीज को बेहतर तरीके से समझ भी रही होगी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुख्यमंत्री को अभी इस पर कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, वो चुप क्यों है ये समझ से परे है। बिल्कुल बाबूलाल जी, जिस तरीके से हालात देखे जाए, बाघों की अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें छत्तीसगढ़ बहुत पीछे चला गया है, बाघ खत्म होने की कगार पर है और हाथियों पर जो बनाई अब इंसानों और हाथियों में रोज टकराव की स्थिति बन रही है, शायद जंगल खत्म होने के कारण लगभग छत्तीसगढ़ को पूरा खोखला किया जा रहा है सिर्फ कोल की वजह से, और जिस तरीके से खदानी चल रही है और खदानें आ रही है, आज अडानी आया है तो कल कोई दूसरा आएगा। जिस तरीके से देखा जाए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने राजस्व के लिए जिस तरीके से जंगल खत्म किए जा रहे हैं, वहां पर जो स्रोत हैं वो खत्म किए जा रहे हैं, ऐसे कब तक चलता रहेगा। रमन सरकार तो जो करके करनी थी वो करके चली गई चौपट करके, जिस तरीके से सारी रिपोर्ट बताया गया है आलोक शर्मा जी के द्वारा कि फर्जी रिपोर्ट दी गई, कोई बैठक नहीं हुई, बैठक बता दी गई वाइल्ड लाइफ की और साथ ही साथ जो ग्राम सभाएं बताएं वो भी फर्जी थी, ग्राम सभा उस तारीख में हुई नहीं, जिस तरीके से उसके बाद मंजूरी मिल गई, अब इस मंजूरी पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, तो कांग्रेस सरकार चुप बैठी हुई है। देखिए मेरे को जो समझ में आ रहा है, सरकारें कोई भी हो वो राजनीतिक दबाव में काम करती हैं, कई राजनीतिक दबाव ऐसे आते हैं जिनको नकारना बहुत मुश्किल होता है, मेरी जो वास्तविक समझ बनी है वो यही बनी है। कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का दबाव केंद्र की तरफ से हो या कहीं से भी हो, वो दबाव में है सरकार, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। जहां तक जो प्रश्न है, जो लोगों ने इसकी जो है सारी चीजें सारे कागजात निकाले हैं, जो असलियत है वो आलोक शुक्ला जी ने पूरा विस्तार बताया है। स्थितियां जो है वो ये लगता था, इनको लगता था कि जब ये विरोध कांग्रेस सरकार करती थी, इनको लगता था कि कांग्रेस सरकार अगर आ जाएगी तो निश्चित रूप से जो है इसमें मदद होगी और इसमें जो है आदिवासियों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है जंगल की क्षेत्रों के लिए एक अच्छा संदेश कांग्रेस सरकार दे पाएगी। कांग्रेस की सरकार आई इनको उम्मीदें जागी, लेकिन ये हतप्रभ है इस बात से कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में भी स्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई है, बल्कि जो है कुछ बोलने वाले लोग भी मौन हो गए हैं, ये इनके लिए जो है आश्चर्यजनक बात है। स्थितियां जो है ये काफी शुरुआत से आलोक शुक्ला जी इसमें लगे हुए हैं, इनकी सारी उम्मीदें अब जो टूट रही हैं, तो निश्चित रूप से जो आदमी किसी विषय पे लगा रहता है उसमें अगर सपने टूटते हैं, उसमें कोई टारगेट पूरा नहीं होता है या वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो चीज ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उनको मजबूर होकर के कहीं ना कहीं कोर्ट के पास या कहीं ना कहीं न्याय के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। उम्मीद थी वही सरकार मुंह मोड़ रही है जी के अंदर मैं देख रहा हूँ, और वही है। और ये जो प्रश्न है, ये उद्योगपतियों के काम मैंने तो कभी आज तक रुकते हुए नहीं देखे, चाहे सरकारें कोई भी हो। बिल्कुल सही कहा बाबूलाल जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक दबाव जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी चाहे रिपोर्ट हो सारी रिपोर्ट पास हो जाती है, बात है जिसमें जी जी वो मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी उद्योगपति का काम कहीं रुका हो, किसी भी स्टेट की बात हो, एकाध कोई अपवाद होगा तो नहीं कह सकता, मगर देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें हैं कहीं भी किसी उद्योगपति का काम रुकता नहीं है।
बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से देखा जाए आप इसके लिए काफी प्रयत्नशील रही हैं और अपनी आंखों के सामने जिस सरकार को वोट देके उम्मीद जताई थी वही सरकार मुंह मोड़ के बैठ गई है। जाहिर है आपके पास कोई ऑप्शन जो बचे हुए वो एनजीटी का दरवाजा आपने खटखटाया है, क्या कुछ लग रहा है आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर इसी तरह से कांग्रेस अपने जो वचन दिया गया था, जो वादा किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उससे मुंह मोड़ लेती है तो एनजीटी का दरवाजा खटखटाने के बाद और कौन कौन से विकल्प आपके लिए खुले हैं? समय बहुत कम है, आंसर करिएगा। देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि इसमें सीधे रूप से गांव विस्थापित होने वाले हैं जो पीढ़ियों से बसे गांव, और वो इसको लेकर शुरू से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो एक तरफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा, दूसरा जमीनी संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों में हसदेव इसके खिलाफ, हसदेव के जो ग्रामीण है, व्यापक आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप तीन लोगों का बहुत शुक्रिया, बाबूलाल जी, आलोक जी और वैभव। जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जाना जाता है, वहां के आदिवासी उसी जो जंगल है उससे जुड़े हुए हैं और उससे अलग नहीं होना चाहते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जल जंगल जमीन के बदौलत ही आगे आए और मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर जो हालात बन रहे हैं, जो माइनिंग के लिए जो अडानी ग्रुप के द्वारा जो खदान की जा रही है, जंगल को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर कांग्रेस सरकार मौन है जो कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.